काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और ट्रायल बैलेंस शीट के आधार पर उसे कैसे बनाया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि ट्रायल बैलेंस क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है और लेजर से ट्रायल बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। जब हम किसी प्रोफेशन या बिजनेस में होते हैं तो उसका उद्देश्य होता है मुनाफा यानी प्रॉफिट कमाना, और इसी उद्देश्य से हिसाब किताब भी रखा जाता है। हिसाब किताब रखने से ही हमें पता चलता है कि व्यापार या व्यवसाय में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। आपको याद होगा कि हमने ट्रायल बैलेंस शीट में सभी अकाउंट्स को उनकी प्रकृति के हिसाब से लायबिलिटीज, असेट्स, इनकम और एक्सपेंसेस में बांटा था। वर्ष समाप्ति पर व्यवसाय में प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये निकालने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस में हमारे जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस से संबंधित अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। ये भी अन्य अकाउंट्स की तरह ही एक प्रकार का अकाउंट है। सुविधा की दृष्टि से हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं, पहला ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइए अब देखते हैं कि ये दोनों खाते क्या हैं और इन दोनों खातों में से किस खाते में इनकम और एक्सपेंसेस से संबंधित कौन से अकाउंट्स ट्रांसफर किए जाते हैं और उससे हमें क्या पता चलता है। व्यापार खाता वो खाता है जो व्यापार के सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट और सकल हानि यानी ग्रॉस लॉस मालूम करने के लिए बनाया जाता है। इस खाते में व्यापार में हुई खरीद बिक्री, प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक और सभी प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल किए जाते हैं। उपरोक्त परिभाषा में उपयोग किए गए शब्दों में से हम आपको खरीद बिक्री और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में पहले ही बता चुके हैं। अब प्रारंभिक स्टॉक तथा अंतिम स्टॉक को समझ लेते हैं। किसी भी व्यवसाय में वर्तमान में हमारे पास किसी भी मात्रा में जो माल उपलब्ध है वो स्टॉक कहलाता है। वर्ष के अंत में जो माल बिना बिका रह जाता है वो उस वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है और अगले साल के लिए वही माल ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। जैसे 31 मार्च 2020 को वर्ष समाप्ति पर हमारे पास 10 टीवी थे जिनका मूल्य 1,00,000 रुपए है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। और अगला वर्ष जो 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हुआ उसके लिए यही माल ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। आइए अब हम व्यापार खाता बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। चूंकि हमारा कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है इसलिए हम ओपनिंग स्टॉक के आगे जीरो लिख रहे हैं। अब एक एक करके ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित जितने भी खाते जैसे कि खरीद बिक्री और सभी प्रत्यक्ष व्यय के खातों के जो भी बैलेंस हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें, ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस डेबिट में है उसे ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेबिट साइड में लिखेंगे तथा जो बैलेंस क्रेडिट में है उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। साथ ही हम जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट में ले आएंगे उनकी पहचान के लिए ट्रायल बैलेंस में उसे लाल रंग कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक के बाद डेबिट साइड में ही परचेज अकाउंट का बैलेंस लिख लेते हैं। इसके बाद हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक ही खाता है फ्रेट अकाउंट का, हम उसका बैलेंस भी लिख देंगे। चलिए अब ट्रेडिंग अकाउंट में राइट साइड में हमारे सेल्स अकाउंट का बैलेंस लिख देते हैं। और इसके बाद हमारा जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा वो लिखना होगा। हमारा कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है इसलिए यहाँ हम जीरो लिख रहे हैं। अब इन दोनों पक्षों का टोटल लगा लेंगे। ध्यान रखें, यदि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से अधिक होता है तो इनका अंतर यानी डिफरेंस हमारा
ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। और यदि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से अधिक होता है तो इनका अंतर हमारा ग्रॉस लॉस कहलाता है। यहाँ देखिए, क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से अधिक है, मतलब यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल है 1,00,000 रुपए, डेबिट साइड का टोटल है 81,100 रुपए, तो यहाँ पर हमको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 18,900 रुपए। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के अनुसार दोनों पक्षों यानी डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर आना चाहिए, तो ये अमाउंट हम डेबिट साइड में लिख करके दोनों पक्षों को बराबर कर लेते हैं। अब हम ग्रॉस लॉस को समझने के लिए एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, इस उदाहरण में डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से अधिक है, मतलब हमें ग्रॉस लॉस हुआ है। हम ग्रॉस लॉस निकाल कर देख लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल है 1,20,000 रुपए और क्रेडिट साइड का टोटल है 1,00,000 रुपए, तो यहाँ पर ग्रॉस लॉस हुआ 20,000 रुपए का। हमने आपको समझाने के लिए ये जो उदाहरण बताया था इसे हम हटा देते हैं। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमें ट्रेडिंग अकाउंट से प्राप्त होता है, आगे उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना होता है। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, जब भी हम किसी खाते का बैलेंस आगे ले जाते हैं तो उसे अपोजिट साइड में लिखते हैं। जैसे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। चलिए अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर काम कर लेते हैं, पर उससे पहले हमें इसकी परिभाषा समझनी होगी। व्यापार खाता बनाने के बाद लाभ हानि खाता बनाया जाता है और इससे व्यापार के शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट या शुद्ध हानि यानी नेट लॉस को निकाला जाता है। इसमें हम व्यापार खाते में जो भी अकाउंट ले चुके हैं उनको छोड़कर इनकम और एक्सपेंसेस के शेष सभी खाते लेते हैं, यानी इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के सभी खाते इसमें लिए जाते हैं और इससे प्राप्त शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। यहाँ से हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले यदि हमें व्यापार खाते से ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो उसे राइट साइड में लिखना होता है, जो कि हम लिख चुके हैं। यदि हमें ग्रॉस लॉस प्राप्त हुआ है तो उसे हम लेफ्ट साइड लिखते हैं। इसके बाद राइट साइड में हमारी जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम है वो लिख देंगे। और लेफ्ट साइड में जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो लिख देंगे। दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। देखिए, हमारा क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से अधिक है, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमें नेट प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। यहां दोनों पक्षों का अंतर जो कि हमारा नेट प्रॉफिट है वो लिख देंगे। ऐसा करते ही देखिए दोनों पक्ष भी समान हो गए हैं। यहाँ तो हमें नेट प्रॉफिट हुआ है, लेकिन यदि नेट लॉस हुआ होता तो उसे किस प्रकार लिखते, आइए एक उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं। ये देखिए, इस उदाहरण में डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से अधिक है, मतलब हमें नेट लॉस हुआ है। हमने आपको समझाने के लिए ये जो उदाहरण बताया था इसे हटा देते हैं। ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्राप्त होता है उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। चलिए, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट प्राप्त हुआ है उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसा कि हमने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंत में बताया था कि जब हम किसी खाते के बैलेंस को आगे ले जाते हैं तो उसकी एंट्री अपोजिट साइड में करते हैं, तो नेट प्रॉफिट की हमारी एंट्री कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में होगी। देखिए, प्रॉफिट होने से हमारे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया है। इस तरह अभी हमने जो काम किया उसका सारांश ये है कि हमने ट्रायल बैलेंस से इनकम और एक्सपेंसेस के सभी खातों को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया।
यानी ये खाते अब समाप्त हो गए हैं और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें जो प्रॉफिट प्राप्त हुआ उसे हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और ऐसा करते ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम भी समाप्त हो गया। अब हम एक काम और करेंगे, ट्रायल बैलेंस से जिन खातों का बैलेंस हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जा चुके हैं और जिन्हें हमने पहचानने के लिए लाल रंग भी किया हुआ है, उन सभी खातों को हम ट्रायल बैलेंस से हटा देंगे। देखिए, यहाँ अब सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज के खाते ही दिखाई पड़ रहे हैं, पर यहाँ एक समस्या भी आ रही है। नीचे दोनों पक्षों का जो टोटल है उसमें डिफरेंस आ रहा है, जबकि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के हिसाब से ये दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। इसका कारण ये है कि यहाँ जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखा है वो पुराना है। हम इसे हटाकर कैपिटल अकाउंट का करंट बैलेंस यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए, ऐसा करते ही दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह हमने ट्रायल बैलेंस के आधार पर अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और अपने व्यवसाय में होने वाले लाभ या हानि की जानकारी प्राप्त की, और यही हमारे हिसाब किताब रखने का मुख्य उद्देश्य भी था, जो कि यहाँ पर पूरा हो रहा है। टैली में हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना होता है, वो हमें एक प्रिव्यू देता है जिसके आधार पर हमें कुछ ट्रांसफर एंट्रीज करना होती है। ध्यान रखने की बात यह है कि टैली में इसका नाम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हमारी अगली वीडियो में आप बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे और उसी के साथ हमारी अकाउंटिंग संबंधित जरूरी जानकारी पूरी हो जाएगी।